स्थानीय जिला न्यायालय गोंदिया में स्वतंत्रता अमृत महोत्सव पर मुख्य न्यायाधीश वीवी पाटकर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कानून विषयक जन जागृति, देशभक्ति गीत, कविता प्रस्तुति की गई। ध्वजारोहण के अमृत महोत्सव में एएम खान, जिला न्यायाधीश एनडी खोसे, न्यायाधीश एनबी लवटे, न्यायाधीश आरएस कानड़े, न्यायाधीश एसवी कुलकर्णी, मुख्य न्याय दंडाधिकारी एसआर मोकाशी, सभी न्यायाधीश तथा वकील संघ आदि तथा प्रबंधक आरजी बोरीकर, पीपी पांडे, डब्ल्यूएच राहिले, केबी कावड़े, ठाकरे आदि कर्मचारी वर्ग प्रमुखता से उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने 75वां अमृत महोत्सव में अपने संबोधित उद्गार व्यक्त किए। आणि अतिशय चांगल्या वातावरणात पार पडलेला आहे उत्साहाने आणि त्या कार्यक्रम झाल्यानंतर ध्वजारोहणाचा प्रत्येकाने आपलं कवितेतून भाषणातून मनोगत व्यक्त केलेला आहे आणि हा असा हा आज रोजी आपण चांगल्या प्रकारे 75वं एकत्रित येऊन आणि वेळेवर मनातील 75व्या दिनानिमित्त ज्या भावना व्यक्त झाल्या त्यातून हा जो कार्यक्रम झाला भाषणाचा कवितांचा त्यांनी सर्वांनी आस्वाद घेतला आणि माझ्या मते खरोखरच 75व्या दिनाचा जे कार्यक्रम विद्युत झाले त्यापैकी हा शेवटचा कार्यक्रम अतिशय आनंदात आणि उत्साहाने प्रेमाने सर्वांनी पार पाडला, उपस्थित राहिले त्याबद्दल आपले सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। आपल्या या सर्वांच्या उपस्थितीमुळे आणि आपल्या सर्वांच्या उत्साहामुळे हा कार्यक्रम अत्यंत सुंदरपणे पार पडलेला आहे। त्यामध्ये पावसाचा इतका चांगला पाऊस पडत असताना सुद्धा आपण अत्यंत तजेल मनाने या ठिकाणी हजर झालात आणि याचा उत्साह वाढवला, त्याबद्दल सर्वांचा मी अत्यंत ऋणी आहे। सर्वांचे अत्यंत आभार मानतो। व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होते हैं। आजादी की यह प्राप्ति हमने नहीं भूलनी चाहिए कि कितने वीर रामनाओं के बलिदान का यह फल है जो हम आज देख रहे हैं। मन के अंदर उत्साह और खुशी ये दोनों जिंदगी भर निरंतर बनी रहे। मैं स्टाफ के उन लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो इस 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उनका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे और वे सारे लोग जो इस न्याय व्यवस्था के साथ में इसके सुचारू संचालन के अंदर जुड़े हुए हैं और जो यह प्रयास करते हैं कि सामाजिक न्याय की जो बात संविधान में की गई थी वो आज भी जिंदा है। जिंदा सिर्फ इसी कारण से है कि लोगों का न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। न्याय व्यवस्था का यह बहुत बड़ा दायित्व आम व्यक्ति के प्रति उसकी आस्था इस बात को बताती है कि आज भी देश के अंदर कानून का राज है। यदि कानून का राज ना हो तो जिस अराजकता को हम महसूस भी नहीं कर सकते। श्रीलंका में जो हुआ या बाकी राष्ट्रों के अंदर जो कुछ होता है क्योंकि कानून के रास्ते को छोड़ के अराजकता का रास्ता जिस समय अपना लिया जाएगा हम श्रेष्ठ समाज की स्थापना की कल्पना भी नहीं कर सकते। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।